हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दे इस स्पेशल वीडियो दे विच आज आपां डिस्कस करांगे होस्टल सुपरिंटेंडेंट कम पीटीआई एंड स्टोर कीपर दा क्वेश्चन पेपर। यह पेपर पीट प्लस बी बोर्ड दे द्वारा 17 सितंबर 2022 नूं ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया सी। इस पेपर दे विच टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे गए सी, जिस दे विच पार्ट ए दे विच जो क्वेश्चन आपां नूं पूछे गए सी वो पूछे गए सी टैक्निकल, ते जो पार्ट बी सी इस पेपर दे विच वो पूछा गया सी आपां नूं नॉन टैक्निकल, जिस नूं आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। टोटल आपां नूं 37 क्वेश्चंस रिसीव होए ने नॉन टैक्निकल पार्ट तो जो आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच। ठीक है, इस दे विच जो सब्जेक्ट इनकलूड सी नॉन टैक्निकल पार्ट दे विच ओहो इनकलूड किए गए सी जीके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश ग्रामर ते पंजाबी ग्रामर। यह सारे सब्जेक्ट इनकलूड सी इन्हां 37 क्वेश्चंस दे विच। ठीक है, यह वीडियो तुहानूं पी ट्रिपल बी वीडियो एग्जाम दे विच, क्लर्क एग्जाम दे विच, एक्साइज इंस्पैक्टर दे एग्जाम दे विच हेल्प करेगी। इस वीडियो तो तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि 2022 दे विच जो पी ट्रिपल बी दे एग्जाम दा लैवल है वह किस तरह का रहेगा। ठीक है, यह पेपर दी वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां बिना कोई टाइम वेस्ट किते। सब तो पहला अपने कोल क्वेश्चन ने जीके दे, जो 10 क्वेश्चन जीके दे पूछे गए सी उन्हां नूं कवर करदे हां। 91 नंबर क्वेश्चन दे विच आपां नूं की पूछा गया सी, द डेट 10 अप्रैल 1917 इज़ फेमस फॉर विच ईवेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, यानी आपां नूं पूछा गया है 10 अप्रैल 1917 आजादी संघर्ष दौरान किस घटना लई मशहूर है। यह तुहानूं सब नूं पता होएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इस आंसर बनेगा अपना चंपारण सत्याग्रह, जो आपने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है यूट्यूब के उपर, उस दे विच आपने बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन कवर किया। उस दे विच आपने कंप्लीट जो चंपारण सत्याग्रह बारे जो अपना इंपोर्टेंट पॉइंट बनते सी आपने सारे कवर किए सी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दे विच। इस करके तो बार बार कहा जाता है कि दूसरी जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ है इसनों घट्टो घट अटैम्प्ट जरूर करया करो, काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े ने डायरैक्ट एग्जाम दे विच बन जाते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जिहड़ा आपां ने कवर किया सी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ दे विच। ठीक है, आपां नूं पुछा गया है यह किस फ्रीडम स्ट्रगल दे लई फेमस सी यह इवेंट, इस आंसर बनेगा अपना चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है यह महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया सी 10 अप्रैल 1917 नूं। इस दे विच बेसिकली की सी यह चंपारण सत्याग्रह, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टम चलाया गया सी जिसका नाम की सी तीन कठिया सिस्टम दे विच की सी। इस दे विच अगर किसी किसान कोल मान लो 20 पार्ट है लैंड का, उस दे उपर 3 पार्ट जो है लैंड का उस दे उपर उस नूं इंडिगो प्लांटेशन करनी पैंदी सी, यानी नील की खेती करनी पैंदी सी। यह सी जो तीन कठिया सिस्टम सी। ठीक है, इस दे अगेंस्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया गया सी 10 अप्रैल 1917 नूं। इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह। यह महात्मा गांधी जी की पहली सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट सी, यह भी आपने याद रखना है। आंसर बनेगा बी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह। नैक्सट देखो, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यह किसके द्वारा कहा गया सी, यानी सब लई इक अते इक लई सब। यह जो फ्रेज़ है, यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिती गई सी, इसनों किसने कहा। यह जो स्टेटमेंट है यह दिती गई सी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम की है, उसका नाम की है मोरगेंथू। इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन मोरगेंथू, जो ने इन्हां दे द्वारा एक स्टेटमेंट दिती गई सी जिसका नाम की है, यह एक फ्रेज़ है सब लई इक अते इक लई सब, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इस आंसर बनेगा ए ऑप्शन मोरगेंथू। वैन इज़ द वर्ल्ड इनवायरमेंट डे सैलीब्रेटड, यानी विश्व वातावरण दिवस कदों मनाया जाता है। विश्व वातावरण दिवस यह भी तो सबनों पता होएगा, इस आंसर बनेगा 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है हर साल विश्व वातावरण दिवस, यानी वर्ल्ड इनवायरमेंट डे। इस आंसर बनेगा 5 जून डी ऑप्शन। 2022 दे विच जो विश्व वातावरण दिवस के जिहड़े सैलीब्रेशन किए गए हैं, यानी इस दे विच जो होस्ट नेशन सी ओह किहड़ा सी 2022 दे लई, ओह सी स्वीडन। यह भी आपां नूं प्रीवियस एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी आपां ने याद रखना है। आंसर बनेगा 5 जून। इन विच स्पोर्ट तेजस्वी शंकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मैडल इन कॉमनवैल्थ गेम्स, जो कॉमनवैल्थ गेम्स होए ने रीसेंटली बर्मिंगम दे विच इंग्लैंड दे विच,
इस दे विच एक प्लेयर ने इंडिया के जिन्हों का नाम की है, इन्हों का नाम है तेजस्विन शंकर। यह इंडिया के पहले प्लेयर बने ने जिन्होंने एक अवार्ड जितया, यानी इन्हों के द्वारा जिहड़ा मैडल है, यह पहले प्लेयर बने ने इंडिया के जिन्हों के द्वारा मैडल जितया गया। ठीक है, आपां नूं पुछा गया है इन्हों की स्पोर्ट कीड़ी है, किड़े खेड दे विच इन्हां ने जिहड़ा मैडल है वह जितया। इन्हां दे द्वारा जो मैडल जितया गया है वह जितया गया है उच्ची छाल दे विच, यानी हाई जंप दे विच। इस दा आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, हाई जंप दे विच उच्ची छाल दे विच इन्हां दे द्वारा मैडल जितया गया। और इन्हां ने एक मैडल किहड़ा जितया, इन्हां ने जो मैडल जितया उसका नाम की है, ब्रोंज मैडल। ब्रोंज मैडल इन्हां दे द्वारा जितया गया तेजस्विन शंकर दे द्वारा। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, उच्ची छाल यानी हाई जंप। विच मूवी वन द ऑस्कर अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट पिक्चर, यानी बेस्ट पिक्चर के लिए जो अवार्ड मिले हैं 2022 दे विच, जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, यह मार्च के दिए गए थे 2022 दे विच। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पुछा गया है जो बेस्ट पिक्चर चुनी गई थी उसका नाम की है, उस मूवी का नाम की है, उस मूवी का नाम है कोडा। जो कोडा मूवी है इसनूं बेस्ट मूवी का जिहड़ा अवार्ड है वह दिता गया सी ऑस्कर अवार्ड्स 2022 दे विच। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, कोडा। इस तो अलावा आपां नूं यह भी पूछा जा सकता है नैक्सट किसी भी एग्जाम दे विच, जो यह अवार्ड दिए गए हैं ऑस्कर अवार्ड, इस दे विच जो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं उन्हां दा नाम दसो। जो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं उन्हां दा नाम की है, उन्हां दा नाम है विल स्मिथ। विल स्मिथ। अगर पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस किसनों चुनिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस चुनिया गया है जैसिका कास्टेन नूं। जैसिका कास्टेन यह चुने गए हैं बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस। ये भी याद रखो, कोई भी पूछा जा सकता है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, कोडा। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय जो किताब है इसनों किसने लिखा, यह जो किताब है अ सूटेबल बॉय, इस किताब नूं लिखा है विक्रम सेठ ने। इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, विक्रम सेठ के द्वारा किताब लिखी गई है अ सूटेबल बॉय। इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन, विक्रम सेठ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स मार्स मिशन नेम्ड टियानवन वन इन एन अटैम्प्ट टू लैंड द स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स, यानी किस देश ने मंगल ग्रह से पुलाड़ यान नूं उतारन की कोशिश की, जिस दे विच इन्हां ने एक अपना एक मिशन है जिहड़ा लॉन्च किया, इसका नाम की है टियानवन वन। यह मंगल मिशन के लिए लॉन्च किया इन्होंने, यह देश किहड़ा है, यह देश है चाइना। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, चाइना, यानी चीन के द्वारा इस मिशन नूं भेजा गया सी। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, चीन, चाइना। विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी भारत का सब तो वड्डा चाह उत्पादक राज्य केड़ा है, यह जो स्टेट है केड़ा है, यह राज जो है भारत का उसका नाम की है, इसका नाम है असम। इस आंसर बनेगा अपना असम, यानी बी ऑप्शन। इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। इस तो अलावा अपने भी याद रखना जो सैकेंड हाईएसट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के टी दे विच वह केड़ा है, यानी सब तो पहले स्थान पर सब तो ज़्यादा चाह प्रोड्यूस कौन करता है, असम। अगर पूछा जाए दूजे स्थान पर सब तो ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा अपना वैसट बेंगाल। वैसट बेंगाल दूजे नंबर पर करता है, यह भी याद रखो। अगर पूछा जाए इंडिया किन्नवें नंबर पर सब तो ज़्यादा चाह प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड के, तो आंसर हो जाएगा अपना सैकेंड, यानी दूजे नंबर पर इंडिया सब तो ज़्यादा चाह की खेती करता है पूरे विश्व के। अगर पूछा जाए सब तो ज़्यादा चाह प्रोड्यूस कौन करता है पूरे वर्ल्ड के, तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना सब तो ज़्यादा करता है, इंडिया दूजे नंबर पर करता है। और इंडिया के स्टेट सब तो ज़्यादा करती है, तो आसाम हो जाएगा। दूजे नंबर पर सब तो ज़्यादा जो चाह प्रोड्यूस करती है इंडिया के स्टेट, उसका आंसर हो जाएगा वैसट बेंगाल। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर, यानी आपां नूं पुछा गया इस दे विच किहड़े प्रेजिडेंट ने जिन्हां दा शॉर्टेस्ट टेन्योर है। ठीक है, ये आपां नूं क्वेश्चन विच इस दे विच पुछा गया है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो टेन्योर है ये पूछा गया आपां नूं किस राष्ट्रपति का है। ठीक है, दिए गए चार ऑप्शनों के विचों जो सब तो ज़्यादा जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है वह किस राष्ट्रपति का है, यह है बी डी जट्टी का। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा डी ऑप्शन, बी डी जट्टी। अगर आप गल करिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो ने यह प्रेजिडेंट बने से किन्ने टाइम के लिए बने से, 5 साल के लिए बने से। ठीक है, उस तो बाद जो जाकिर हसैन ने यह बने से 1 साल 355 दिनों के लिए। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते 2 साल। ठीक है, उस तो बाद वीवी गिरी आ गए, वीवी गिरी जो ने यह एक बार तो बने से एक्टिंग, तो दूजी बारी यह परमानेंट बन गए, यानी इन्हों का जो टेन्योर से कि इन्हों का 5 साल 78 दिन से, 78 डेज़।
ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं बी डी जट्टी की, जो बी डी जट्टी बने से यह इंडिया के राष्ट्रपति बने से किन्ने टाइम के लिए बने से, सिर्फ और सिर्फ 164 दिन के लिए बने से, ठीक है। अगर आप देखिए 5 सालों के लिए, यह 5 साल 78 दिन के लिए, तो 1 साल 355 दिन, बट जो बी डी जट्टी ने यह सिर्फ और सिर्फ 164 दिन के लिए बने से। इस करके आंसर की बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन बनेगा बी डी जट्टी, या फिर बी डी जट्टी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप गल करिए सब तो छोटा जो टेन्योर है राष्ट्रपतियों के विचों किसका है, तो आंसर हो जाएगा अपना एम हिदायतुल्ला। जो एम हिदायतुल्ला ने यह एक्टिंग राष्ट्रपति बने से इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 35 डेज के लिए, 35 दिन के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ 35 दिन के लिए यह इंडिया के राष्ट्रपति बने से एक्टिंग, ठीक है। अपन अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर पूछा जाए तो आंसर अपना हो जाएगा एम हिदायतुल्ला, यह भी याद रखो, आंसर बनेगा बी डी जट्टी। नैक्सट देखो 100 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच अपन क्यों पूछा गया है, वट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम प्रपोज्ड इन द बजट विच इज़ टू बी इंप्लीमेंटड बाय द एविएशन मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी अपन पूछा गया इस दे विच पूछा गया है एक नवी स्कीम है जी लॉन्च की गई थी बजट के, ठीक है। इस दे विच जो ये स्कीम इंप्लीमेंट करेगा कौन करेगा, एविएशन मिनिस्ट्री करेगा, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ने इन्हों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जी यह स्कीम लॉन्च की गई, इसका नाम की है, इस स्कीम का जो नाम है वह है कृषि उड़ान स्कीम है, इसनों लॉन्च किया गया सी एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। बजट के इस प्रपोज किया गया सी, इसनों जो इंप्लीमेंट कर रहा है कौन कर रहा है, एविएशन मिनिस्ट्री कर रहा है। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन कृषि उड़ान स्कीम। इस स्कीम के मतलब की सी इसका, जिमें फॉर एग्जाम्पल किसी किसान का कोई समान है, ठीक है, वह मान लो खराब होने वाला है, ठीक है, उस खराब होने वाली यानी जो समान जल्दी खराब हो सकता है उस समान जल्दी तो जल्दी पहुँचाने के लिए इस दे विच जो एविएशन मिनिस्ट्री है इसनों एयर कारगो कर लिया जाएगा, यानी इस दे विच जो हैलीकॉप्टर्स वगैरह ने वो यूज़ किए जाएंगे ताकि जो वह समान है मंडी तक जल्दी पहुँचाया जा सके, ताकि जो समान है वह खराब ना हो सके, उसनों खराब होने तो बचाने के लिए यह जो स्कीम है लॉन्च की गई सी एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इस आंसर बनेगा अपना कृषि उड़ान स्कीम, यानी इस जो समान है इसनों एयर कारगो की मदद के नाल मंडिया तक जल्दी पहुँचाया जाऊगा ताकि वह जो समान है वह खराब ना हो सके, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन कृषि उड़ान स्कीम। यह टोटल 10 क्वेश्चन आपां नूं जीके दे पुछे गए इस पेपर के। अगर तुहाने साडा पंजाब दा फतेह बैच ज्वाइन किया हो लगभग तुसीं 6 to 7 क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट कर सकते सी इस पेपर के, 2-3 क्वेश्चन ने जिहड़े घुमा के पुछे हुए सी, 6 to 7 क्वेश्चन तुसीं डायरैक्ट जिहड़े ने अटैम्प्ट कर सकते सी, बिल्कुल ईजीली अटैम्प्ट कर सकते सी 6 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं आप रीजनिंग के मैथ के जिहड़े क्वेश्चन पुछे गए सी उन्होंने कवर करते हैं, ठीक है। इस दे विच आपां क्या गया है, एम हैज़ अ सन क्यू एंड अ डॉटर आर, यानी जो एम है इसके एक सन है जिसका नाम की है क्यू, ठीक है, और इसकी एक डॉटर है जिसका नाम की है आर, यानी क्यू की सिस्टर कौन होगी, आर, ठीक है, इतने बन जाएगा आर, आर की है सिस्टर इसकी, यानी इसकी डॉटर है, ठीक है। ही हैज़ नो अदर चिल्ड्रन, यानी एम जो है इसका होर कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी क्यू तो आर दे सिवा होर कोई भी इसका चिल्ड्रन नहीं है इसका जो एम है। ही तो मतलब अपन की पता लग रहा है यह की है एक मेल है, तो आप इतने लिख देंगे मेल, ठीक है। ई इज़ द मदर ऑफ पी, जो ई है यह पी दी मदर है, यानी ई जो है यह पी दी की है मदर, ठीक है। ई इज़ द मदर ऑफ पी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ एम, यानी एम दी की है डॉटर इन लॉ, यानी डॉटर इन लॉ का मतलब की है क्यू दी वाइफ होएगी कौन, ई, इतने बना देंगे आप ई का जो अगे ई इज़ द मदर ऑफ पी, यानी पी दी मदर है कौन, ई, तो इतने बना देंगे आप पी। अपन की पूछा गया इस हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एम, जो पी है इसका एम के नाल की रिलेशन है, ठीक है। अगर आप देखिए इस दे विच पी एम का जवाई है, अगर आप देखिए थर्ड जनरेशन के पहुँचा तो यह आंसर नहीं हो सकता, पी एम की नूँह है ये भी नहीं हो सकता, पी एम का पोता है ये हो सकता है, ठीक है। इसका अपन जो जेंडर है वो नहीं पता, यह मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी पोता भी हो सकता है पोती भी हो सकता है, बट अपन ऑप्शन के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पोता दिता गया, इस करके अपना आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन बन जाएगा पी एम का पोता है, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पी एम का पोता है। नैक्सट देखो 102 नंबर क्वेश्चन, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसके द्वारा अपनी जी जर्नी है वो स्टार्ट की जाती है एक पॉइंट तो, ठीक है, यह 10 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यह जर्नी इसने स्टार्ट की, मान लो इस पॉइंट तो स्टार्ट की, यह 10 किलोमीटर कितने गया नॉर्थ की तरफ,
ठीक है। उस तो बाद नैक्सट इसने लैफ्ट टर्न लिया तो 5 किलोमीटर चलिया है, लैफ्ट टर्न इस तरफ हो जाएगा किन्ना चलिया है 5 किलोमीटर चलिया, ठीक है। उस तो बाद इतने इन्हें वेट किया अपने फ्रेंड का, उस तो बाद इसने राइट की तरफ टर्न लिया तो 10 किलोमीटर होर चलिया, ठीक है। इतों राइट टर्न उपर हो जूगा तो किन्ना चलिया इतों यह चलिया 10 किलोमीटर, इसमें आप 10 किलोमीटर होर चला देंगे। ही हैज़ कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी इस पॉइंट तो यह किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ। तुहानू डायरेक्शन पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट, यानी इस पॉइंट तो यह ईस्ट की तरफ मुड़िया, किस तरफ मुड़िया इस तरफ, किन्ने किलोमीटर चलिया है 5 किलोमीटर, ठीक है। आपां की पूछा गया है इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट ए वाला है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए वाला है। अगर आप देखिए किस डायरेक्शन है फाइनल पॉइंट तो आपको साफ पता लग रहा है किस डायरेक्शन है, नॉर्थ के आंसर बन जूगा अपना उत्तर दिशा के, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 103 नंबर क्वेश्चन आपको क्या गया है, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज आप मोंकी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, मोंकी आप किवें लिखते हैं, मोंकी आप लिखते हैं XDJMNL, सेम कोडिंग लैंग्वेज आपने टाइगर आप किवें लिखांगे। अगर आप देखिए इस दे विच लास्ट डिजिट केड़ा है वाई, इस तो पहला वाला डिजिट केड़ा है एक्स, वो आपने इतने यूज़ कर लिया, ठीक है। इतने ई है, ई तो पहला केड़ा डिजिट आऊगा डी आऊगा तो डी यूज़ कर लिया, के तो पहला केड़ा डिजिट होगा जे, जे इतने यूज़ कर लिया, यानी आप कह सकते जो लास्ट डिजिट है वह पहले प्लेस से आऊगा तो इस तो प्रीवियस लैटर यूज़ करांगे आप, ठीक है। आर तो प्रीवियस लैटर केड़ा होजूगा क्यू आजूगा, क्यू आजूगा इतने, ठीक है। ई तो पहला लैटर केड़ा होगा डी आजूगा, ठीक है, डी इतने लिख लेंगे। जी तो पहला केड़ा आ जाएगा एफ, एफ लिख लेंगे। आई तो पहला केड़ा आ जाएगा एच, एच लिख लेंगे। टी तो पहला केड़ा आ जाएगा एस, एस लिख लेंगे। क्यू डी एफ एच एस इस आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, क्यू डी एफ एच एस आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नैक्सट देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी 3 इंटीजर्स ने एक्स वाई तो जैड, इन की प्रोडक्ट कि 192 के इक्वल है, यानी आप कह सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जैड कि बराबर है 192 के बराबर है, ठीक है। जो जैड है किसके बराबर है, 4 के बराबर है, जो जैड है इस 4 के बराबर है, यानी आप कह सकते हैं इस एक्स इंटू वाई कि आजूगा 192 बटे कर देंगे 4, चौकम चौकी 16, 3 बच गया 2 बच गया, 4 8 32, यानी एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 48 आ गई। आपको की पूछा गया इस पी इज़ द इक्वल, पी इज़ इक्वल टू द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो पी है कि बराबर है एक्स प्लस वाई बटे 2 के बराबर है, ठीक है। आपको की पूछा गया है पी की वैल्यू दसो, कहते पॉसीबल वैल्यू कि हो सकती है मिनीम, यानी मिनीम पॉसीबल वैल्यू है जी पी की कि हो सकती है, यह पूछा गया अपने इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगर आप देखिए 48 आपने बनाने, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 मान लीए तो वाई की वैल्यू आप 48 मान लीए तो भी अपने को 48 बन जूगा, अगर एक्स की वैल्यू आप 2 मान लीए तो वाई की वैल्यू आप 24 मान लीए तो भी अपना 48 बन जूगा, 2 × 24, ठीक है। इस तरह 3 × 16 मान लेंगे तो भी बन जूगा, 4 × 12 मानेंगे तो भी अपना 48 बन जूगा, ठीक है। उस तो बाद 4 × 12 तो बाद अपने को 6 × 8 मान लेंगे तो भी अपने को 48 बन जूगा, ठीक है। उस तो बाद 6 × 8 तो बाद 8 × 6 कर देंगे तो भी 48 आजूगा, यानी इतों रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इतने तक आप यूज़ करेंगे। यह अपने को 5 जिहड़ियां टर्म्स ने हो सकती ने, यानी एक्स की वैल्यू ने जिहड़ियां 1, 2, 3, 4 ते 6 हो सकती है, वाई की वैल्यू 48, 24, 16, 12 ते 8 हो सकती है। बट आपने की करना है मिनीम वैल्यू है जी फाइंड करनी है, मिनीम पॉसीबल वैल्यू फाइंड करनी है पी की। अगर आप देखिए इतने वैल्यू है जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कि बन जूगी, 49 बन जूगी, इन्हों दोनों ऐड कर दी। अगर आप इतने कि बन जूगी 26 बन जूगी, इतने वैल्यू कि बन जूगी 19 बन जूगी, इतने कि बन जूगी 16, इतने कि बन जूगी 14। अगर आप मिनीम देखिए तो 6 + 8 बनती है, यह मिनीम बन रही है, यानी आप कह सकते हैं पी की वैल्यू कि बराबर है एक्स प्लस वाई बटे 2 के बराबर है, ठीक है। मिनीम वैल्यू कि बन रही है 14 वाली, तो आप की करांगे 6 + 8 बटे कि कर देंगे 2, 14 बटे 2 कर देंगे तो वैल्यू कि आ गई अपने को 7 आ गई, यानी पी का जो घट्टो घट मुल आ गया वह कि आ गया अपने को 7 आ गया। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया से, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन 7, 7, ठीक है। नैक्सट देखो 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3, यानी आपको क्या गया है एक मिक्सचर है, ठीक है, 20 लीटर्स का 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिस दे विच मिल्क दे वाटर की रेशो आपको 5:3 दी गई है, ठीक है। मिल्क दे वाटर की रेशो आपको कितनी दी है 5:3 दी है, ठीक है। इतने आप लिख लें 5:3,
ठीक है, मिल्क ते जो वाटर दी रेशो है वह आपां नूं किन्नी दित्ती है, 5:3, ठीक है। और इस दे विच अपने कोल जो टोटल जो मिक्सचर है वह किन्ना है, 20 लीटर का। अगर आप देखिए 20 लीटर का मिक्सचर है जिस दे विच 5 जो पार्ट ने वह मिल्क दे ने, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 20 लीटर दे विच टोटल 8 पार्ट ने, ते 5 लीटर 5 जो पार्ट है किस नूं रिप्रजेंट करता है, मिल्क नूं। तो आप की करांगे, 8 * 1 = 8, 8 * 20 डिवाइड करांगे तो किन्ने दे कट जाएगा, 2.5, ते 2.5 × 5 किया तो कि आ गया 12.5, यानी 20 लीटर के मिक्सचर के 12.5 लीटर की है मिल्क है, बाकी 7.5 लीटर की बजूगा, 7.5 लीटर बच जाएगा इस वाटर। टोटल जो अपना मिक्सचर है वह कि है 20 लीटर का, ठीक है। उस तो बाद अपन की किया, 4 लीटर अपने मिक्सचर बाहर कढ़ता, 4 लीटर अपन जो मिक्सचर वह बाहर क्ढना है, जो 4 लीटर आप क्ढा वो भी इस रेशो के क्ढा। अगर आप इतने देखिए 20 लीटर है, 20 लीटर के 20 लीटर बाहर कर दिए तो इस रेशो के निकलूगा। अगर 4 लीटर कढ़ना है तो किन्ने डिवाइड करना पेगा अपन 5 नाल। अगर इतने अपने 5 नाल डिवाइड किया तो आप इनू भी 5 नाल डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करा 5, ठीक है। 12.5 नूं 5 नाल डिवाइड करा तो कि आजगा, 2.5 आजगा। इस तरह इसनों भी डिवाइड करा 5 के नाल, वैल्यू कि आजगी, 15 × 5 = 75, यानी 1.5। इन्हों आप माइनस कर देंगे, 12.5 के 2.5 माइनस किया तो कि आ गया, 10 आ गया। 7.5 के 1.5 माइनस किया तो कि आ गया, 6 आ गया। उस तो बाद अपन की किया, 4 लीटर जो है मिक्सचर बाहर कढ़िया, तो इसको रिप्लेस करता 4 लीटर मिक्सचर के मिल्क के नाल, तो आप 4 लीटर मिल्क पा देंगे ये। तो रेशो कि बन गई अपनी, मिल्क के वाटर की जी रेशो बन गई वो कि बन गई, 14:6 बन गई। आप इन कट लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, यानी अपने को आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का, 7:3 बन गया। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना, वो की बन जाएगा, बी ऑप्शन, 7:3। यही आपको पूछा गया से, जोड़ा नवा मिक्सचर होएगा जिस दुध के पानी का अनुपात होएगा वह की होएगा, वह आ जाएगा अपना 7:3। इस आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट देखो, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हू पार्टिसिपेटड इन द एग्जामीनेशन इज 4:3, यानी बॉयज़ और गर्ल्स जो ने यह 4:3 के पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर आप टोटल देखिए, टोटल किन्ने हो गए बॉयज़ और गर्ल्स, 7 हो गए, ठीक है। द टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हू पास्ड द एग्जामीनेशन इज 80 एंड द परसेंटेज ऑफ अ गर्ल्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हू पार्टिसिपेट हू पास्ड इन इज 90%, यानी आप कह सकते हैं जेडे टोटल स्टूडेंट पार्ट जो टोटल स्टूडेंट जो कैंडिडेट ने पास हुए ने किन्ने हुए ने 80%, यानी टोटल किन्ने ने, टोटल 7 ने रेशो के अकॉर्डिंग, पास किन्ने हो गए 80%, 80% ऑफ 7, 8 × 7 = 56, यानी पास किन्ने हो गए 5.6, 5.6 की हो गए पास हो गए, ठीक है। 5.6 की हो गए टोटल पास हो गए, यानी बॉयज़ और गर्ल्स किन्ने ने, 4:3 ने, ठीक है, जिस दे विच 5.6 की हो गए पास हो गए दोनों बॉयज़ और गर्ल्स। बट आपां की क्या गया है, गर्ल्स जो ने पास किनिया हो गई 90%। अगर आप देखिए 90% गर्ल्स कि हो जाएगी, 90% ऑफ 3, 9 × 27, यानी 2.7, 2.7 जो गर्ल्स ने की हो गई पास हो गई, ठीक है। 2.7 जो गर्ल्स ने पास हो गई, बट टोटल जो स्टूडेंट पास हो गए वो किन्ने हो गए 5.6, ठीक है, जिस दे विच 2.7 जो गर्ल्स ने, ठीक है, 5.6 के 2.7 माइनस कर देंगे तो इतने वैल्यू कि बन जाएगी अपनी 2.9 जोड़े ने की हो गए बॉयज़ ने जोड़े वो पास हो गए। अपन यही पूछा गया है जो बॉयज़ पास हुए हैं किन्ने हुए हैं, किन्ने परसेंट हुए ने, टोटल 2.9 पास हुए हैं, टोटल स्टूडेंट जोड़े बॉयज़ है किन्ने ने, 4 ने, बटे कर देंगे 4, गुणा कर देंगे 100 के नाल, ठीक है। इतने अपने को 2.9 आप 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कि आ जाएगी 290, 290 बटे कर देंगे 4, 4 × 7 = 28, 1 बच गया, 0 बच गई, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 = 2 बच गया, पॉइंट आ जाएगा 0 आ जाएगी, 4 × 5 = 20, यानी 72.5% जो बॉयज़ ने वो पास हो गए। यही आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा डी ऑप्शन, 72.5, यानी आपने कुछ नहीं किया, अपने टोटल जो स्टूडेंट ने वो किन्ने ने रेशो के अकॉर्डिंग 7 ने, उसका अपने 80% कढ़िया, 5.6 ने जोड़े पास हो गए, टोटल जो स्टूडेंट पास हो गए जिस दे विच बॉयज़ ते गर्ल्स दोनों इनकलूड ने 5.6 ने, और गर्ल्स आपां नूं 90% दिते सी, 90% कितना आ जाऊगा 2.7, अगर 2.7 गर्ल्स पास हुई ने तो 2.9 की होणगे बॉयज़ पास होणगे, क्योंकि टोटल 5.6 ने जिहड़े इह टोटल स्टूडेंट पास होए ने, तो आपां नूं 2.9 जो ने आपने रेशो के अकॉर्डिंग कढ़ लिया, यानी परसेंटेज आपने कढ़ लिया, 2.9 / 4 करता, गुणा करता 100 दे नाल, तां इत्थों अपना 72.5 जो परसेंट है वैल्यू आ गई। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो, ए और बी ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, यानी इन्हां दे द्वारा एक जिहड़ा है साझेदारी दे विच कम स्टार्ट किया गया, ठीक है,
यानी इस दे विच ए और बी ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया ए और बी, ठीक है, ए और बी ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा एक पार्टिसिपेशन यानी इन्हां दे द्वारा साझेदारी दे विच कम स्टार्ट किया गया, बिजनेस स्टार्ट किया गया, ठीक है। उस तो बाद इन्हां दे द्वारा जिन इनवैसटमेंट की गई है उसकी आप गल करते हैं, इतने बी लिख लिया अपने, इतने लिखेंगे आप सी, ठीक है। इस दे विच आपां की किया गया है, सब तो पहला ए दे द्वारा 16,000 रुपए ते बी दे द्वारा 12,000 रुपए जिहड़े ने इनवैसट किए गए, 16,000 रुपए इन्हें किया, इन्हें किन्ने किए 12,000 रुपया, ठीक है। 3 महीने बाद ए द्वारा 5,000 रुपया जिहड़ा है विदड्रॉ कर लिया गया, यानी इस द्वारा 3 महीनों के लिए इनवैसटमेंट की गई है, इस द्वारा भी 3 महीनों के लिए इनवैसटमेंट की गई है, ठीक है। उस तो बाद ए द्वारा 5,000 रुपया जिहड़ा है बाहर कर लिया गया, उस तो बाद 5,000 कढ़न तो बाद किन्ने रुपए रह गए इनवैसटमेंट के, 11,000 रुपया रह गया, ठीक है। और जिहड़ा बी आई इसने 5,000 रुपया होर लगाता, ठीक है, इहदा 12,000 पहला सी तां अगले 3 महीनों के लिए किन्ना हो जाऊगा 17,000 रुपया हो जाऊगा, ठीक है। 3 महीनों बाद यानी 3 महीनों के लिए इन्हें 11,000 रुपये इनवैसट किया, इन्हें किन्ना किया 17,000 रुपये इनवैसट किया, ठीक है। 3 महीनों बाद सी दे द्वारा बिजनेस दे विच एंटर जिहड़ा है किया गया, ज्वाइन किया गया, 21,000 रुपये की कैपिटल लैके आया है, ठीक है। जिहड़ा सी है इसने 21,000 रुपया जिहड़ा इनवैसट किया, टोटल किन्ने महीनों के लिए इनवैसट किया इन्हें 6 महीनों के लिए, ठीक है। और जिहड़ा ए है इस दे द्वारा जिहड़ा 11,000 रुपया है यह 6 महीनों के लिए एज इट इज़ इनवैसट किया, क्योंकि इस दे विच बाद इसने कोई भी जिहड़ा है पैसा जिहड़ा है विदड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसे तरह जिहड़ा 17,000 रुपया है यह भी इसने 6 महीनों के लिए इनवैसट करके रखा, ठीक है। आप कह सकते हैं इतने वैल्यू किनी बन गई, टोटल अपना 16,348 प्लस 11,333 प्लस 11,666 यह इनवैसटमेंट की वैल्यू कि आ गई, ए की आ गई। इस तरह बी की वैल्यू किनी आ जूगी, 12,336 प्लस 17,151 17,662 इतने आ गई अपने को 102 तक, 21,626 आ जाएगा, 126 अपने लिख लिया एज इट इज़, ठीक है। इतने अपने को वैल्यू किनी बन जाएगी, 11,666 आएगा इतने, ठीक है। 66, 6 ते 3 9, 9 ते 8 17, 7 एक रिमाइंडर, ठीक है। 1 ते 6 7, 7 ते 3 10, 10 ते 4 14 इतने वैल्यू किनी आ गई अपने को 147। 3 जीरो अपने को पिछे आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो सारे के पिछे पिछे ने, यानी इतने 16,000 है, इतने 11,000 है, तो अपने इतने वैल्यू किनी आ गई अपनी 147,000 रुपया आ गया, ठीक है। इतने वैल्यू किनी आ जूगी अपनी इतने 102 ते 51, 153, 153 ते 6, 159, 159 ते 199, तो इतने वैल्यू किनी आ जूगी अपनी 199,000। इतने वैल्यू किनी अपनी 126,000। 3 जीरों के 3 जीरों कैंसल हो जाएगी तिना दियाँ, ठीक है। उस तो बाद 3 चौके 12, 3 दूना 6, ठीक है। और 3 छिके 18, 3 तीए 9, 3 चौके 12, 3 9 27। सादे टेबल तो फिर भी कर सकते हैं, आप 7 न 7 नाल कटांगे आप, 7 7 59, 7 9 63, 7 6 42, यानी अपने को जी ए बी ते सी दी जी रेशो आ गई वह कितनी आ गई, 7 9 ते 6 आ गई। 7 9 ते 6 जो रेशो है वह अपने को आ चुकी है इन्हां दी। अपन की पूछा गया है जिहड़ा जिहड़ा बी है इसका शेयर किन्ना है, जिहड़ा टोटल प्रॉफिट 26,400 रुपया होया है, इस दे विच जिहड़ा शेयर बी का है यह सी तो किन्ना ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखिए सी तो किन्ना ज़्यादा है, 3 रुपये ज़्यादा है शेयर के अकॉर्डिंग, 3/3 किन्ना है टोटल, किन्ना है शेयर 7 ते 9 16, 16 ते 6 22, 22 गुणा कर देंगे किन्ना टोटल कमाई की इन्होंने एक साल के 26,400 रुपया, 26,400 रुपया 22 एकम 22, 4 बच गया, 22 दूना 44 इतने बच गया अपने को 2 जीरों, 12 तीए 36, यानी 3600 रुपया ज़्यादा कमाई की है किने बी ने सी तो। यही पूछा गया अपन क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन 3600 रुपये। 3600 रुपया जिहड़ा है कमाई ज़्यादा की है किने, यह कमाई ज़्यादा की है बी ने सी तो, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना 3600 रुपये सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन के अपन क्या गया है 35 वर्करस की जी एवरेज सैलरी है वह कितनी है 1800 रुपये, 35 वर्करस की जी सैलरी है वह कितनी है 1800 रुपये, 35 अगर आप टोटल देखिए 35 वर्करस की जी सैलरी है वह कितनी है 1800 रुपये है, तो टोटल इन्हों की सैलरी कितनी होगी 63,000 रुपया, 63,000 रुपया, ठीक है। एक मैनेजर है जिस अगर इसकी आप सैलरी इनकलूड कर दिए इन्हों की सैलरी के 125-25 रुपए होर वध जाते हैं, यानी टोटल परसन किन्ने हो जाएंगे 35 पहला सी, एक परसन होर हो गया जो मैनेजर बनया हुआ है, ठीक है। और इन्हां दी सैलरी जिहड़ी है वह किन्नी होगी एवरेज, वह किन्नी होगी 125 रुपए वध गया, यानी 1800 प्लस 125 रुपए, तो किन्नी वैल्यू होगी 1925 रुपए, ठीक है। 36 गुणा 1925 करांगे तो वैल्यू किन्नी आ जूगी अपने को 69,300 रुपया, 69,300 रुपए के 63,000 रुपया माइनस करांगे तो वैल्यू किन्नी आ गई अपने को 6300 रुपया,
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6300 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਈ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 6300 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਈ ਸੈਲਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 6300 ਰੁਪਏ ਸੈਵਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਟੇਕ 7 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਮੇਕ 7 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਕਲ ਟੋਇਜ਼ ਯਾਨੀ 7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮ 1 ਟੀ 1 ਬਟੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਮ 2 ਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 7 ਨੇ ਤਾਂ 7 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ 7 ਮਿੰਟ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬਣਾਏ ਇਹਨੇ ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੀ 2 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 100 100 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ 7 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਟੀ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਯਾਨੀ ਜੋ 100 ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 7 ਮਿੰਟ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 110 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12.5% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ 510 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਮ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਰੇਟ ਫੋਰ ਦ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਯਾਨੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਯਾਨੀ 12.5 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 12.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/8 ਯਾਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/8 ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1/8 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 64 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 2/1 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 2/1 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 1/8 ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1/8 8 × 8 = 64 ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਠੀਕ ਹੈ 8 × 1/8 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 8 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਕੈਂਸਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 8 × 16 ਪਲੱਸ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 ਯਾਨੀ 17 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 510 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢੇ ਆ 17 ਰੁਪਏ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 510 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 16 ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 16 × 30 ਨੇ 16 × 30 ਕਰਾਂਗੇ 16 × 48 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 480 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 480 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 480 ਰੁਪਏ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਇਨ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਟਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਟਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਈਡੀਅਮ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਆ ਮਿਸਟੇਕਨ ਔਨ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਥੋਟ ਔਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਆ ਮਿਸਟੇਕਨ ਔਨ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਥੋਟ ਔਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਈਡੀਅਮ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਰੋਂਗ ਟ੍ਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਰੋਂਗ ਟ੍ਰੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਜੋ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਇਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਨਰਚਰਿੰਗ
इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन नर्चरिंग। इसके होर भी काफ़ी जिहड़े सिनोनिम होंदे ने फोस्टरिंग दे, जिवें नर्चरिंग हो गया, एक हो गया इनकरेजिंग, इनकरेजिंग ठीक है, एक हो गया जिवें प्रमोटिंग, प्रमोटिंग, यह सारे की ने सिनोनियम ने इस फोस्टरिंग दे। इस आंसर बनेगा नर्चरिंग डी ऑप्शन। दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, इसनों अपने वॉइस के विच चेंज करना है ठीक है, चेंज ऑफ वॉइस तो क्वेश्चन पूछा गया है। दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, इसनों आप चेंज करांगे ठीक है, इस दे विच चेंज किस तरह करांगे आप, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडड बाय दैम, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडड बाय दैम, इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडड बाय दैम। यह पांच क्वेश्चन है जिहड़े इंग्लिश तो पूछे गए सी इस पेपर दे विच, ये भी आपने कवर कर ले ठीक है। एक जिहड़ा क्वेश्चन है मिस सीज दे विच ठीक है, टोटल आपने चार कवर किए ने इंग्लिश के। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं पंजाबी व्याकरण के जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी इस पेपर दे विच। डाडे नाल डैश ओह मंगे हिस्सा, ओह कढ़े गाली अखाण नूं, हेठ लिखियां विचों चोणवें शब्द नाल पूरा करो। डाडे नाल डैश ओह मंगे हिस्सा, ओह कढ़े गाली, इसनों आपां ने पूरा करना है इस अखाण नूं। इस अखाण दे विच जो आपां शब्द जिहड़ा है आपां नूं चाहिदा है वह कहड़ा है, वह आएगा प्याली। इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर बनेगा अपना वह बनेगा डी ऑप्शन, यानी यह अखाण है जिहड़ा यह किस तरह पूरा होएगा। डाडे नाल प्याली ओह मंगे हिस्सा, ओह कढ़े गाली, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन प्याली। इसका मतलब की है इस अखाण का, बेसिकली मान लो एक परसन है जिसनों नौकरी मिली हुई है बैंक के ठीक है, एक परसन है जिसने बैंक के नौकरी मिली हुई है जिसनों जिसकी तनखा आती है हर साल मान लो 10,000 रुपये महीना ठीक है, 10,000 रुपये महीना जी वो तनखा आती है हर साल। इसने मान लो 2,00,000 रुपये का लोन ले लिया ठीक है, हुण इहदे कोल सैलरी आती है हर साल, हर महीने सैलरी आती है, यह जिहड़ा है रिफंड कर सकता है क्योंकि इहदे कोल नौकरी है ठीक है। इस तरह एक अनइंप्लॉयड परसन है ठीक है, अनइंप्लॉयड परसन है, इसने सेम इसे दे पिछे लग के एक लोन ले लिया 2,00,000 रुपये का ठीक है, हुण इहदे कोल कोई इनकम नहीं हैगी ठीक है, यह इहदे कोल इनकम नहीं हैगी, हुण यह कित्थों जिहड़ा है जिहड़ा लोन है वह किवें पेमेंट वापस करेगा, रीपे किवें करेगा, तां इसदे कोल कोई साधन नहीं हैगा ठीक है। इस दे लिए आप इस परसन के लिए आप यूज करांगे ये अखाण, यानी जो डाडे नाल प्याली ओह मंगे हिस्सा ओह कढ़े गाली, यानी आप कह सकते हैं अनइंप्लॉयड परसन है जिहड़ा यह अपना जिहड़ा पैसा है यह वापस कित्थों करेगा। इस दे लिए आप यह अखाण है जिहड़ा यूज़ करांगे, यानी यह अखाण आप उत्थे यूज़ करते हैं जदों जदों जिहड़ा परसन है कोई भी जिहड़ा सोर्स समझ के काम नहीं करता उसके लिए आप यूज़ करते हैं ठीक है। बेसिकली जदों यह मुफ्त का हिस्सा मंगता है, यानी इसके कोई भी रुजगार नहीं है, यह पैसे जोड़े ने वो वापस नहीं कर सकता ठीक है, उस दे लिए आप यूज़ करांगे डाडे नाल प्याली ओह मंगे हिस्सा ओह कढ़े गाली, यानी उस दे लिए आप यूज़ करते हैं जदों सोच समझ के काम है जिहड़ा आपां नूं करना चाहिए उस दे लिए आप जिहड़ा है अखाण यूज़ करते हैं। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन प्याली। जो मेहनत करनगे सो पास होणगे, वाक विच जो की है, इस दे विच जो है यह दोनों नूं जोड़न का काम कर रहा है, मेहनत करनगे सो पास होणगे, इन्हां दोनों नूं जोड़न का काम कौन कर रहा है, जो, इस करके यह की हो गया संबंधवाचक, इन्हों दोनों नू जोड़न दे विच काम कर रहा है, इस करके यह की हो जाएगा संबंधवाचक पड़नाव, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन संबंधवाचक पड़नाव सी ऑप्शन। लिंच का अर्थ की है, लिंच का अर्थ पूछा गया आपां नू, लिंच का अर्थ मतलब की है इसका, पीड़ द्वारा मारना, पीड़ द्वारा किसी व्यक्ति नू जदों मार दिता जाता है, हत्या कर दी जाती है, उसके लिए आपां वर्ड यूज़ करते हैं लिंच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह किहड़ा बनेगा, वह बनेगा ए ऑप्शन पीड़ द्वारा मारना। उचक्कियां दी टोली नूं की आखदे हन ठीक है, इसका क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है तुहानूं बाद विच कमेंट बॉक्स के विच दस दिता जाएगा, यह जिहड़ा है जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा नहीं मिल पाया ठीक है, यह वैसे जुड़ली होना चाहिए इसका आंसर, बाकी जिहड़ा इसका आंसर है जिहड़ा कमेंट बॉक्स के विच मिलेगा ठीक है। एग्जैक्ट जिहड़ा आंसर है तुहानूं कमेंट के विच कमेंट बॉक्स के विच पिन करिया मिलेगा थोड़े टाइम बाद, जदों यह आपां क्लीयर हो गया क्वेश्चन उस तो बाद जिहड़ा है इस आंसर तुहानूं कमेंट बॉक्स के विच पिन करवा दिता जाएगा, उस तो तुसीं इस क्वेश्चन आंसर जिहड़ा देख सकते हो। उचक्कियां दी टोली नूं की आखदे हन, इस आंसर कमेंट बॉक्स के विच मिलेगा तुहानूं पिन कमेंट के विच बाद दे विच ठीक है, अगर तुहानूं पता तां तुसीं कमेंट बॉक्स के विच लिख के दस सकते हो ठीक है। एग्जैक्ट पता होना चाहिए है, सही पता होना चाहिए तां ही कमेंट करना, अदरवाइज नहीं ठीक है, अदरवाइज असीं आपे दस देंगे की आंसर होगा इहदा ठीक है। हेठ लिखियां विचों शुद्ध शब्द आपने चुनना है, शुद्ध शब्द जो है इस दे विच है वह है वाहवा, हाहे नूं औंकड़, टैंके नूं सिहारी, वहुटी, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन वहुटी। यह क्वेश्चन पूछे गए सी अपने पांच इंग्लिश के पांच पंजाबी के जो अपने कवर कर ले ठीक है।
उस तो बाद जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी कवर कर लें। आप इस टोटल 7 क्वेश्चन मिल पाए ने कंप्यूटर के जिन्होंने आप कवर कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी जो कंप्यूटर है कि भाषा को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। जो कंप्यूटर है यह मशीन लैवल लैंग्वेज जी होंगी है इसनों समझ सकता है, जो मशीन लैंग्वेज होंगी है उसनों समझ सकता है जो कंप्यूटर होंगे, ठीक है। बट अपन मशीन लैंग्वेज का जो कोई भी ऑप्शन है जो नहीं दिता गया, इस करके अपना आंसर इस क्वेश्चन का की बन जूगा, इसका आंसर बन जाएगा अपना बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में ही आप मशीन लैवल लैंग्वेज बोलते हैं। इस दे विच जिहड़ा कंप्यूटर है 0-1 के फॉर्म के जिहड़ा है लैंग्वेज में यूज़ करता है, इसनों समझता है, ठीक है। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जिसनों आप मशीन लैवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 0-1 की फॉर्म के भी कह सकते हैं। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसिज दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इन टू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट तो जिहड़ा डायरैक्ट एंट्री हो जाती है इनपुट डिवाइसिस की मदद के नाल, ठीक है, आपां नूं पुछा गया है उसका नाम की है, ठीक है, उस इनपुट डिवाइस का नाम की है, उसका नाम की है, उसका नाम है डाटा स्कैनिंग डिवाइसिस। इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, डाटा स्कैनिंग डिवाइसिस की मदद के नाल आपां जो उसनों स्कैन करांगे डॉक्यूमेंट नूं डायरैक्ट अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है उस तो सारा जिहड़ा डॉक्यूमेंट के उपर डाटा होएगा डायरैक्ट एंटर करवा देगा अपने सिस्टम के विच। इस आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, डाटा स्कैनिंग डिवाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के बेसिस के उपर केड़ा कंप्यूटर का टाइप नहीं है, यह है रिमोट। रिमोट कोई भी कंप्यूटर का टाइप नहीं होंदा, इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन, रिमोट। नैक्सट देखो कि शॉर्टकट की आप यूज़ करांगे, अगर आपने MS वर्ड के शॉर्टकट की यूज़ करनी है पेस्ट दे ले, यानी कोई आपने कॉपी की हुई है कोई चीज़ उसनों आपने पेस्ट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कि यूज़ करांगे, तो आप यूज़ करांगे Ctrl+V। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, Ctrl+V आप शॉर्टकट की यूज़ करांगे जो आपने पेस्ट करना होंदा है कॉपी किया हुआ टैक्सट। इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, Ctrl+V। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर, इन्हों के विचों केड़ा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, इन्हों के विचों केड़ा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है एक्सल, जो MS एक्सल होंदा है एक जिहड़ा प्रोग्राम होंदा, इस करके एक प्रोग्राम है, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बाकी सारे कंप्यूटर हार्डवेयर है, इस करके आंसर बनेगा यह ऑप्शन एक्सल। नैक्सट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सॉरी, ठीक है, इन्हों के आपको पूछा गया है इन्हों के कड़ा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है जिहड़ा वो किहड़ा हो जाएगा प्रिंटर, यह तीनों की ने इनपुट डिवाइस ने, बट जो प्रिंटर है कि आउटपुट डिवाइस है, इस करके आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन प्रिंटर। नैक्सट देखो लास्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर पूछा गया इस पेपर के, वट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इन, यानी जो कंप्यूटर की स्पीड है इसमें मेजर किस मेजर कहते किया जाता है, यानी मापिया किस जाता है, जो कंप्यूटर की स्पीड होंगी इसमें मापिया जाता है गीगा हर्ट्स। इस आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, गीगा हर्ट्स के जो कंप्यूटर की स्पीड है इसमें मेजर किया जाता है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन गीगा हर्ट्स। सो ये सारे क्वेश्चन जो इस पेपर के पूछे गए थे सारे अपने कवर कर ले, जिहड़े एक दो क्वेश्चन बचे ने वह तुहानू तो पिन कमेंट के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उन्होंने जो आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि साडा मकसद की है कि तुहानू तो जिहड़े एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करना साडा मकसद है, ठीक है, इस करके जिहड़े क्वेश्चन जिहड़े क्लीयर नहीं सी हाले तक वह तुहानू तो एक दो क्वेश्चन जिहड़े उसके आंसर तुहानू तो पिन कमेंट के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बाद दे विच, ठीक है। सो यह कंप्लीट पेपर जो आपने कवर किया है, यह जो पेपर है यह तुहाडा जिहड़ा कंडक्ट किया गया सी होस्टल सुपरिंटेंडेंट कम PTI एंड स्टोर कीपर पेपर दे ले, ठीक है। इस तो इलावा PIT+B वीडियो कलर्क फॉरैसट गार्ड तो एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा गैस पेपर है लॉन्च किया गया, क्योंकि तुहानू तो पता है वीडियो का जिहड़ा पेपर है यह अनाउंस हो चुका है 8 अक्टूबर 2022 तो जिहड़ा पेपर है यह वीडियो के लिए होने जा रहा है विलेज डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजर के लिए, तो कलर्क के लिए भी जिहड़ा है जल्दी ही डेट अनाउंस होएगी, फॉरैसट गार्ड के लिए भी, तो एक्साइज का जिहड़ा पेपर है नवंबर के होएगा, ठीक है। अपने को लगभग सारे पेपर का जिहड़ा शड्यूल है वह आ चुका है, ठीक है, इस दे लिए साडे द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा गैस पेपर है वह लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस दे विच तुहानू टोटल 4750 जिहड़े क्वेश्चन ने ऑब्जेक्टिव टाइप वो प्रोवाइड किए जाएंगे इस गैस पेपर के, इस दे विच जिहड़ा यह पेपर आपने कवर किया टोटल 37 क्वेश्चन ने जिहड़े पूछे गए सी आपने जिहड़े डिस्कस किए ने, इस दे विच 25 तो 28 क्वेश्चन ने जिहड़े इस गैस पेपर के डायरैक्ट पूछे गए सी, ठीक है,
25 ਤੋਂ 28 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25 ਤੋਂ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਟੋਟਲ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25 ਤੋਂ 28 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 37 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। 4750 ਟੋਟਲ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 1000 ਰੁਪਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਿਆ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਇਸ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ P++B ਗੈਸ ਪੇਪਰ, P++B ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 200 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 200 ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 500 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ 500 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 37 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3-4-5 ਅਕਤੂਬਰ
3500 प्लस क्वेश्चन तुहानू जीके दे मिलणगे, जिस दे विच करंट अफेयर्स दे 1500 क्वेश्चनस, इंडियन जीके दे 1500 ते पंजाब जीके दे 500 क्वेश्चन होणगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटड होणगे सारे क्वेश्चनस, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटड होणगे सारे क्वेश्चनस। इंग्लिश दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुहानू मिलणगे 1000 तो ज़्यादा क्वेश्चनस, जिस दे विच तुसीं इत्थे देख सकते हो सारे सबजैक्ट्स इत्थे लिखे गए ने, किहड़े टॉपिक दे किन्ने किन्ने क्वेश्चनस ने उह सारे इत्थे मैंशन किए गए ने। इह तुहानू 1000 प्लस प्रश्न ने जिहड़े तुहानू इंग्लिश दे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए जाणगे, यानी टोटल 3500 प्लस 1000 किया तो अपने कोल टोटल 4500 प्लस क्वेश्चन ने जिहड़े तुहानू इह की मिलणगे MCQs, ठीक है। उस तो बाद इंग्लिश जो सबजैक्टिव पार्ट है, इस दे विच तुहानू 15 ऐसे 15 लैटर्स 10 प्रेसिस ते 15 ट्रांसलेशन पंजाबी टू इंग्लिश, ठीक है। यह टोटल अपने कोल टॉपिक किन्ने हो गए 50, तो टोटल तुहानू 50 प्लस टॉपिक ने जिहड़े यह मिलणगे सबजैक्टिव पार्ट दे, ठीक है। टोटल तुसीं देख सकते हो 4500 MCQs मिलणगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 50 प्लस टॉपिक तुहानू मिलणगे सबजैक्टिव टाइप, यह टोटल अपने कोल 4550 जिहड़े टॉपिक ने तुहानू 4550 जिहड़े ने यह तुहानू मिलणगे, जिस दे विच 4500 MCQs ते 50 की होणगे सबजैक्टिव टॉपिक, जिस दे विच तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकदे हो किहड़े-किहड़े टॉपिक दे किन्ने किन्ने क्वेश्चनस ने उह तुहानू इत्थे मैंशन किए गए ने, ठीक है। यह सारे जिहड़े तुहानू टॉपिक ने क्वेश्चनस ने यह तुहानू इस गैस पेपर दे विच प्रोवाइड किए जाणगे। हुण आपां गल करदे हां यह तुसीं परचेस किवें करोगे। यह जो गैस पेपर है, इस दे गैस पेपर दे जिहड़े चार्जेस ने 2500 रुपए ने, बट तुहानू 2500 रुपए पे करन दी जरूरत नहीं हैगी, ठीक है। तुहानू डिस्काउंट दिता जाऊगा 1500 रुपए। यह जिहड़ा डिस्काउंट है सिर्फ और सिर्फ पहले 250 स्टूडेंट्स लई होएगा, जिस दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स ने 150 दे करीब जिहड़े स्टूडेंट्स ने उह परचेस कर चुके ने, क्योंकि यह भी जिहड़ा गैस पेपर है आपां ने एक वीक पहला लॉन्च किया, एक हफ्ते दे विच जिहड़े 150 स्टूडेंट ने ऑलरेडी परचेज कर चुके ने। हुण जिहड़े सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट ही बचे ने, 100 स्टूडेंट्स जिहड़े ने उहनां नूं इह जिहड़ा गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए दे विच प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट दे विच सिलेक्शन लैना चाहते हैं 2022 दे विच, उह इस गैस पेपर नूं बाय कर सकते हैं। बिल्कुल आपां ने एग्जाम ओरिएंटड इस गैस पेपर दे विच कंटेंट है जिहड़ा इनकलूड किया। पेमेंट करनी है तुहानूं इस गूगल पे फोनपे पेटीएम दे उपर, इस नंबर के उपर तुहाने पेमेंट करनी है। 1000 रुपये पेमेंट करन तो बाद तुहाने इस सेम नंबर वट्सएप के उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है सेंड कर देना है, ठीक है। उस तो बाद साडी तरफ तो एक घंटे के विच जिहड़ा यह गैस पेपर है यह तुहानू PDF फॉरमेट के जिहड़ा है यह साडी तरफ तो सेंड कर दिता जाएगा। यह जो गैस पेपर होएगा, यह जो गैस पेपर है तुहानू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दे विच मिलेगा, यह भी गल याद रखनी है तुहाने। यह PDF फॉरमेट के विच मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज दे विच मिलेगा यह गैस पेपर। जो स्टूडेंट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो 2022 दे विच सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वह इस गैस पेपर नूं बाय कर सकते हैं। बिल्कुल आपने एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट है जिहड़ा इस गैस पेपर दे विच शामिल किया, ठीक है। यानी आपने टोटल दो गैस पेपर की गल की है, एक पीटर प्लस बी के गैस पेपर की गल की है जिस दे चार्जस 500 रुपए ने सिर्फ, और एक अपने हाई कोर्ट कलर्क के गैस पेपर की गल की है जिस दे चार्जस ने 1000 रुपए, ठीक है। यह जो 500 जिहड़ा चार्जस ने 200 स्टूडेंट्स लिए ने, क्योंकि 500 लई सी 300 पूरे हो चुके ने, सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट रह गए। तो जिहड़ा हाई कोर्ट कलर्क के लिए ने यह 250 स्टूडेंट्स लिए सी, जिस दे विचों 150 पूरे हो चुके ने, सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स रह गए, ठीक है। जिहड़े बाय करना चाहते हैं दोनों के विचों कोई भी जिहड़ा बच्चा प्रिपेयर कर रहा किसी भी एग्जाम के लिए, वह इस गैस पेपर बाय कर सकते हैं। बिल्कुल अपने एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट इन गैस पेपर के इनकलूड किया। अगर कोई डाउट है इस नंबर पर तुम मैसेज करके पूछ सकते हो। सो यह अपना पेपर होस्टल सुपरिंटेंडेंट, एंड यह जो पेपर है होस्टल सुपरिंटेंडेंट कम PTI एंड स्टोरकीपर के लिए कंडक्ट करवाया से पीटर प्लस बी ने 17 सितंबर को करवाया से 2022 सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन, ठीक है। इस दे विच आपां ने टोटल 35 तो 37 क्वेश्चन कवर किए ने जो इस पेपर के पूछे गए सी, सारे आपां ने कवर कर ले नॉन टैक्नीकल पार्ट के क्वेश्चनस। अगर तुसीं इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम की है पंजाब IQ, इस नूं ज्वाइन कर सकते हो। इस दे विच जिहड़ी PDF है तुहानूं प्रोवाइड कर दित्ती जाएगी इस पेपर की, ठीक है। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। अगर तुहानूं किसी भी क्वेश्चन के रिलेटिड डाउट है, या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटिड है, या फिर गैस पेपर के रिलेटिड कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए है, तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826, ठीक है। जिहड़े बच्चे गैस पेपर बाय करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी बाय कर लैन, क्योंकि जिहड़ा हाई कोर्ट वाला है यह सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स नूं डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जिहड़ा पीटर प्लस बी वाला है यह सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स नूं होर डिस्काउंट मिलेगा,
ठीक है, जिहड़े बच्चे बाय करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी बाय कर लैन और 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। इस गैस पेपर के जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया इस कवर करके जरूर जाना एग्जाम के काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर के। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।